लाउड के लाउड थोड़ा आगे ले लो, आगे थोड़ा आगे ले लो, बस 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 चलो अब तुम बनाओ, हम अपना काम करो। जाओ जाओ उनका देख, हाँ हाँ देखे हैं, वो चल रहा मीटर जी जी जी। एक जून 2023 है, हम लोग जनमऊ आ चुके हैं, जनमऊ गंगा जी के है, तो बंदर बहुत आगे थे तो हम लोग आगे निकल गए। अभी कई चोरियाँ मिलेंगी और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर जनता और सरकार ध्यान नहीं देगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नोट करते हैं, इनकी जनसंख्या इतनी जरूरी है, इतनी कुत्तों और बंदरों की, तो इनको केवल नसबंदी किया जाए। बस अब जो आँखों इसलिए आँखों को बंद रखते हैं, आँखों को बंद रखते हैं कि कोई बंदर आके हाथ ना मारे। कोई हनुमान जी की सिद्धि हो, लेकिन ये हमारी जनता ही अंधी है। मैं ये कहूँगा कि बदायूं के पीपी सिंह साहब ने तो मेरे बारे में कुछ कमेंट लिखा है, इस कमेंट से हजारों लोग जो के जखामे, तब हम जानेंगे कि वाकई हमारे सुप्रीम तक लोग हैं। पीपी सिंह माँ बदायूं के हैं, कमेंट लिखा उन्होंने लंबा चौड़ा, आप लोग उसी संदर्भ में लिखें, ज्यादा ज्यादा लिखें, ज्यादा ज्यादा पढ़ें। क्या है, कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, ये दल उधर का आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ वही शमशान बाजे आ रहे हैं। हाँ बस किनारे किनारे दल तेजी से जाओ और वहाँ तक चले जाओ, दो साल के गेट तक सब जल्दी जल्दी बहाओ। ये गेहूँ किस स्टाइल से गेहूँ खाओ, बिथराओ नहीं भाई, खाओ चाहे जितना। बताइए तुम खाली बनाने काम करो, तुम हाथ ना लगाओ। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा, चल रहा बाबा। तो चलने का मतलब कि पूरा लाल ने चौकोर सफेद होता है, हाँ हाँ, तब वो चल रहा है। अगर पूरा लाल पड़ गया तो समझो बंद है, नहीं चल रहा। कल हमारा जन्मदिन मनेगा भवनेश्वर में, हजारों बंदर हमको झट देंगे। इससे बढ़ के कोई हनुमान जी का भंडारा हो, उससे बल्कि कोई हनुमान जी की संक्रमण सिद्धि हो, पाँच पाँच लाख रुपए के शर्त लगाते हैं, अगर मर्द होगा तो सामने आएगा 5 लाख। सारी कोई माइक लाल ये साबित करे, इससे बल्कि कोई हनुमान जी की सिद्धि है।
इससे बढ़ के कोई हनुमान जी की पूजा है कोई श्री को साबित करना पड़ेगा। पत्थर के हनुमान, कागज के हनुमान, कमरे के अंदर बैठे हनुमान, लेटे हनुमान, कोई हनुमान नहीं, यही हनुमान। मंदिर खूब जोर जोर डालो भाई, खूब जोर जोर डालो। एक एक कटोरा लेके आते हैं, इनमें यह बड़ी कमी है, दो तीन कटोरा रखो। हाँ हाँ, खाओ खाओ लो। भरे रहो कटोरा जल्दी जल्दी, ऐसे दे दो गेहूँ, दे दो गेहूँ, उसी आओ गेहूँ बस बस ये खा के चले गई है, दो मिनट में खा के चले गई है, नहीं पत्थर के हनुमान बैठे गई है। दिखाई है ही बैनामा न दिखाई है, देख रहे हैं ये आश्रम है, इनके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अब हम कहेंगे नहीं, नहीं वो भयंकर शब्द अभी निकाल देते ना कि सुनने वालों की मौत हो जाती है। देखो कितनी कमजोर बंदरिया है, देखो बीमार हालत, ये देखो इसको दिखाओ, बराबर रोटी दीजिए, नहीं इसमें है ही नहीं रोटी, खत्म हो गया। माटी में ना गेहूँ डालो, थोड़ा जोड़े गेहूँ डालो, आए अंदर के महंत जी लाठी डंडा लेके कुछ बोले, चुके हम बैठे रहे, अगर हम ना होते तो अब उसको हड़प लेते। ऐसे लोगों के लिए तो हम यही कहेंगे ना कि क्या औरंगजेब को फिर से आना पड़ेगा, औरंगजेब को फिर से आना पड़ेगा। एक तब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ये क्या हो रहा, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरे को बुरा कहने की तरह, ये क्या हो रहा है। माता पिता दवा के अभाव में मर गए, और जब मर गए तो टेंट लगा के हमने उनके चरही मनाई है, वो काम करो कोई उंगली ना उठा सके, समझ गए, पूरी दुनिया के बोल के काहे बनती है। अब डीपी सिंह ने लिखा, हम सुबह पड़े हमारे होश छोड़ गए, अब लोगों से मांग करेंगे कि डीपी सिंह साहब आपके जो उन्होंने लिखा है उन्हीं के समर्थन में लोग लिखो, उनका मनोबल बढ़ाओ। इधर थोड़ा करीब से बनाओ, देखो ये अंदर देखो मंदिर को, बंदर के मतलब तुम निगाह मत रखो, तुम कैमरे में देखो, जहाँ तुमने बंदर को देखा उसके मन में भय पैदा हो गया कि तुम उसके बच्चे को पकड़ने आओ, रोटी ला के हमका दे आज धोने में, या कमजोर बंदरिया आई यही काम दे दी, जब इनका देव तुम कटोरा से दे के निकाल निकाल डरो, डालत रहो डरो नहीं, कोई बंदर न बोली पूजे पूजा झोला मत देव तुम, देखिए नीता शर्मा माली को दौड़ के खाने का ही कुछ मजा ही दूसरा होगा। बाबू हटो
माना गंगा जी के किनारे ईसा जी या इसको जहाँ सफल होना था तो वहाँ क्यों हम बैठे। ये देखिए माजे से तोड़ के जो खाने का वो है बड़ा मायने सुशील चल रहा है ना ये ऊपर 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 वही तो देखी थी। बस तो नहीं है नहीं नहीं चल और कोई डाक पास तो नहीं है। नहीं चल रहा बाबा चालू है तो यार लाग नहीं लाग लगे ताला बन जाएगी। मालूम हमको नहीं देख लिया जाए देखना जरूरी है। बोलो चलिए बाबाओं को नहीं बोलना जी है? जी जी आज हमको बड़ी ताकत मिले ना हम इन लोगों को हड्डी उड़ा के रखते आडम्बर मत जी जी हनुमान को मानना है किसके पास जाओ जी जी शंकर को मानना है तो नंदी के पास जाओ जी और वरना मुख में तालिख नहीं डामर फोटो डामर जी जी समझ गया घर पानी में डूब मत। इसीलिए अंध गैर धर्म के लोग हम पर उंगली का उठाते हैं क्यों उठाते हैं क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं हम उठाते हैं परंपरा परंपरा यही परंपरा माँ बाप को भूखे मारो हमारे चक्र लगा के चरिए मनाओ यही परंपरा है। कितनी इनकी आबादी बढ़ गई किस पार्टी के सरकार ने इनके लिए कुछ काम किया किसने काम किया है ये प्रकृति के अंग हैं सब ये हनुमान जी के प्रारूप हैं ये भूख से मर रहे हम पत्थर के हनुमान जी को बड़ा मंगल में शरबत पिला के खुद पी रहे एक धंधा बना दिया यही सुनना चाहते हैं घर लोग क्या कहते हैं उनको खाते पीते हैं और बाद में उंगली भी उठाते हैं हम काम ही ऐसा न करें कोई हमारे ऊपर उंगली उठाते एक अकेला भारत का एक बाबा ने ललकारा है पूरे वर्ल्ड को दुनिया को इन्हीं लोग जवाब दे रहे हैं इन्हीं लोगों के सफेद एकदम सफेदा है दाढ़ी रखे देख रहे हैं बाबा बैठा है और फिर भी टोकी टोका अरे यहाँ चौके पर मत जाओ वहाँ मत जाओ कहाँ दिया जाए है इनका भाई यहाँ यहाँ पर आपने क्यों पाल रखा है वो इनका एक अड्डा है कहाँ है भैया कहाँ रोटी तो दिए थे झोले में क्यों कोई झोला लेके तो नहीं चला गया रोटी का है चंदार है अरे थोड़ी देर में खा के चले गई हैं मरो मत प्राण निकल रहा है हे कर रहे हो शमशान के किनारे हो थोड़ी देर में खा लेंगे जो छिड़का पड़ा होगा वो आगे गैया चाटेंगे। हनुमान स्वामी दूसरा जो मुँह बनाए मतलब बनाओ चढ़वाओ और कमाओ नाटक दिखाओ कुछ तो बेकूफ फंसेंगे और दान पात्र रख दिया जाएंगे इनके लिए दान पत्र दान पात्र रखा गया बोलो किसी मंदिर में है इनके लिए दान पात्र कहीं है और कहीं एक आधा होगा उसको कोई जानता भी नहीं कितनी इनकी आबादी बढ़ रही अगर यही हाल था तो 10-20 साल के अंदर दुनिया में खाली बंदर ही बंदर हो जाएंगे सबके गोद में बच्चा आप देख रहे हैं बाहर दिया गया है अगर अंदर कहीं दिया गया होता लाओ मोबाइल हमको दे नहीं बंद नहीं करेंगे ना उधर बंदर है मान लो बच्चा भी साथ है डर भी लगता ना ऐसे बनाए हाँ चलो ठीक खाओ तुम लोग खाओ छोटे से बच्चों बच्चों को देख के दया आती है उसकी मम्मी कुछ खा रही तब तो दूध बनेगा उनके कहाँ
खा लो। अब देखो इनको छुओ, अब नहीं भागते हैं सब, हैं इसकी दूर से बंदर भी हमको जान गए। खाओ। कहा भैया, खा लो। वो बीमार वाली है सर, खाओ। ए, रोटी क्या खा रही है, वो रोटी ढूंढ, ए जरा रोटी निकाल के हमारे मुट्ठी में दो। रोटी है कहाँ? अरे रोटी आगे झोले में नहीं है, जो कोई झोला दे के तो नहीं चला गया, ये क्या हुआ, ये कहाँ भगे सब? नहीं बाबा, ये रोटी के झोला कहाँ, सुशील टांगे तो नहीं चले गए कहीं? हाँ टांगे होंगे तो। अच्छा बीमार बंदरी आई, देखो ही फिर आई, रोटी देखो आगे पीछे झाक के देखो, देखा है बाबा जी, टांगे ले हैं। अच्छा अब वहाँ जाएंगे गंगा जी के किनारे, वहाँ सब मिलेंगे, ले चले उधर, वो हुआ है बुला रहे हैं वहाँ। हाँ चलो ले चलो, यहाँ हो गया, आगे देख चल के चलो। दुई ठेला देखे बेचारे गे रहे, अगर बंदर को एक बार भी अगर आप देंगे कि आपका चेहरा पहचान जाएंगे, वही सोचा से मुंह वाला महंती जी स्वामी जी, उनको मालूम है कि दुनिया जी यही भंडारा कराएगी जी, वो सिद्धार्थ जी ने हौदा रखवाया था वहाँ पर, देखो उसमें पानी है कि नहीं, जरा वो राधे जरा एक मिनट के लिए दौड़ के जाओ, देखो हौदे में पानी है कि नहीं, गाड़ी को चलने दो, दौड़ के जाओ, बस 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 करो, रुक जाओ, खाली नीचे आओ बताई, या गाड़ी बंदे आओ नीचे आओ, वो देखो हौदे में पानी है कि नहीं, दौड़ के जाओ, कि हौदा इसे रखा है तो हम लोग उठवा के और कहीं रखवा दें, देखो सब कैसा खा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अगर हम ना होते तो अंदर वाले तो सफेदा बाबा जो है सफ़ेद पड़ गया है शरीर में, तभी गंगा जी के किनारे मुंह दुखा गया, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं कि कर्म ही कर, यही हनुमान जी की महासेवा है, यही हनुमान जी की महापूजा है, नुकसान करते हैं तुमने ससुर चांडालों ने, तुमने किसका कितना नुकसान किया, जहाँ जंगल था वहाँ तुमने आश्रम बना दिया, आश्रम अपने पेड़ खाने के लिए, नाटक के लिए, सब जंगल था, ये पानी है, पानी नहीं है। अच्छा एक काम करो, इसको लौटानी में आज इसको वापस ले चलेंगे, क्या फ़ायदा रख ले, हाँ वापस ले चलो और कहीं रखेंगे जहाँ हर वक्त पानी से ये भरा जाए, लौटानी में याद रखना। अच्छा जीव है इनके जगह, अगर आप हो तब आप क्या करोगे, है अगर आपकी जीवनी इसी में जन्म आपका हो जाए तब आप क्या कहेंगे, एक अड्डा ये हुआ, एक अड्डा शमशान में है, मगर शमशान वाले बंदर आज इधर आ गए, गौशाला बना है देखो, होना चाहिए इसको गंगा जी के किनारे खुले में, थोड़ा सेट हो रहे बस, गंगा जल पिए उसी किनारे जंगलों में रहे सब स्वच्छंद रहे। हाँ रोटी लिया हो ना, है रोटी है, रोटी कहाँ, रोटी माला रहा खाली बचा रहा बस, और झोले वाली रोटी खत्म, चलो यार रोटी बहुत कमाई थी क्या, रोटी जो कल बचा लाओगे रे शाम को बंदर दोस्त से वही तो आए रे। अच्छा चलो अब आज जो है रोटी डबल बनवाना है, कहाँ वही शमशान में नहीं शेरू बाबा कहीं रहे ना, अरे वहाँ छोड़ो यार, यहाँ के पहले बात करो, चलो हो राधे तो अच्छा अब शमशान के अंदर हम चल रहे हैं, शेरू बाबा कहीं रहे ना, 1 क्विंटल 50 किलो, अरे सब हो गए हैं, सब चटियाए गए हैं,
का खुदे ज्यादा ना सारी बातें दे दो खाली आजकल बात भगवान सबसे काम नहीं लेते का यहाँ है क्या सब लौटानी में डालते हैं सब शमशान में आ गए सब यहाँ भी लाशें आने शुरू हो गई हैं एक आधी लाश आ चुकी है चिता की लकड़ियाँ हैं सब सामने ये सब शमशान गंगा जी किनारे किनारे कहीं दूर की लाश होगी तो आ गई है नहीं गाड़ी घुमा करके ये देखो ये गाड़ी घूम गई यही डाल दो गाड़ी रोक दो यहाँ डाल दो चौथे पर डाल दो लोग खाएं कस के यह शमशान शमशानी भोज दीजिए डीपी सिंह साहब आपके परिवार के लिए दे खाओ खाओ आपके परिवार के लिए पूरे खानदान के लिए आपके रिश्तेदारों के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि हर लोग से कहोगे जैसे आपने आवाज़ उठाई है यही तो छतरियों की क्वालिटी है जो आपने लिखा इस ढंग से आज तक किसी ने लिखा अब क्योंकि आपके भाग में आशीर्वाद बदला था ऊपर छत के ऊपर भी डालो अब यहाँ पर लाश अभी एक दो तीन दो बारह बजे तक एक बजे तक दो बजे तक पूरा मेला ऐसा लग जाता तमाम लाशें आती हैं सब जैसे जैसे दो बजे तक तमाम आती हैं भाई वहाँ से घर से लोग चलते हैं तैयारी करते हैं कोई ना कोई रोल मरता है दो चार दस बीस पूरे जिले में जिले के बाहर से लोग आते हैं बाराबंकी हो कहाँ कहाँ खाओ इसको यहाँ भी डाल दो ना चौकते पर सब खाएं ऊपर भी डाल दो ऊपर वाले और ये सुनो दो कटोरा लेके चला करो अब होता एक कटोरा में भर के ऊपर फेंकते जब देखो एक हाँ लो कटोरे भरो राधे ऊपर डालो या झोले भर ले झोला बगल में टांग दे इसीलिए जो झोला है हाँ छत के ऊपर डालो भाव या नीचे डाल दो थोड़ा सब खा रहे हैं जो निक्का दुक्का बंदर हैं वहाँ नहीं जा पाए हमारे डर की वो जहाँ बैठे हैं अभी चलेंगे बड़े मठ के पास उनको खबर मिल गई होगी कि गाड़ी आई है सुनो खड़ी न रहो कुछ ना कुछ ये बता ही रही थी दरिद्र आदमी दो तीन कहा कटोरा लेके चला करो तब बंदे कौन शोभा वही का वही लुटिया में हगना वही में जल चढ़ाना दो तीन कटोरा रखो अब जैसे कटोरा है कोई आदमी तुमका मिल जाए तो वैसे जा दियो ए राधे वहाँ वाले पीपल में भी भैया डालो अब हाँ हाँ वो पीपल के नीचे एक पीपल ये है एक पीपल वो है शमशानी पीपल है शमशान के शमशान घाट के किनारे के पीपल जो है और शमशान घाट यहाँ से ये जो लाशें गाड़ी जाती हैं ना जो जलाई नहीं जाती वो इस जंगल के अंदर इसके अंदर अरे सब बाढ़ आती है ना वो सब बह जाते हैं सब ढांचा निकल जाता है यही तो हनुमान जी परीक्षा ले रहे हैं यही तो कलयुग है जैसे जैसे हमारी आपकी मन नहीं लग रहा है धर्म में वैसे वैसे अस्त्र शस्त्र बनते जा रहे हैं तरह तरह के हेलीकॉप्टर तरह तरह की मिसाइलें तरह तरह के पनडुब्बियाँ कि तुम्हारे पेने में जो है बारू लगा देंगे वो किनारे किनारे आएंगे तुम्हारे देश को उड़ा देंगे समझ गया ये घातक हथियार बन चुका हो गया थोड़ा सा आगे वहाँ प्लेटफार्म पर जान देना लंबी वीडियो चलो वीडियो करते बनाते हैं।